Sure. today we will start exercise 13a of chapter 13 section and midpoint formula section and midpoint formula from salina concise for icse

जो इसी को किसी पर्टिकुलर रेशो में डिवाइड कर रहा है सपोज द रेशो इज एम वन रेशियो एम टू इज़ एक्स वन वाई वन इज़ एक्स टू वाई टू कोऑर्डिनेट ऑफ पी बी एक्स वाई एट दैट टाइम एक्स बिकम्स इक्वल टू एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस

तभी तो, तो करवाने लगा हूं बेटा ये फॉर्मूला है सर ये तो क्वेश्चन नहीं है क्वेश्चन नहीं है ये सेक्शन फॉर्मूला है सेक्शन मिड पॉइंट फॉर्मूला सेक्शन मिड पॉइंट का मतलब ए बी ए के कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन बी के कोऑर्डिनेट एक्स टू वाई टू P is the midpoint. When P is the midpoint, the ratio becomes one ratio one. At that time, X becomes equal to M1 ki value bhi one, M2 ki value bhi one. One one fill karenge one into X2 X2 one into X1 X1 X2 plus X1 upon one plus one two. Same way Y one into Y2 Y2 plus one into Y1 Y1 upon one plus one टू तो ये सेक्शन मिड पॉइंट फॉर्मूला बन गया अब देखो कोई बात नहीं जब सम करेंगे तब समझ आएगा बेटा फोर्टीन सम गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ट्राइसेक्शन होता है थ्री इक्वल पार्ट ट्राइसेक्शन मीन्स थ्री इक्वल पार्ट फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ऑफ ट्राइसेक्शन लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ लाइन ए बी कॉर्डिनेट ऑफ ए आर माइनस थ्री जीरो एंड कॉर्डिनेट ऑफ बी आर सिक्स सिक्स फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ट्राइसेक्शन मीन थ्री इक्वल पार्ट सपोज पी एंड क्यू डिवाइड ए बी इन थ्री इक्वल पार्ट ट्राइसेक्ट ए बी ए बी को ट्राइसेकट कर रही है ट्राइसेक का मतलब ये तीनों पार्ट इक्वल है पी आद्या पी एबी को किस रेशो में डिवाइड करेगा मीन्स एपी अपॉन पीबी की रेशो क्या होगी सर वन टू टू बेटा वो तो फॉर्मूला में है मैं यहाँ पे नंबर में पूछ रहा हूं रेशो आदिति यस सर सर वन रेश टू यस देखो थ्री इक्वल पार्ट है बेटा ये पार्ट ये पार्ट और ये पार्ट एपी पी, पी क्यू एंड क्यू बी आर इक्वल तीनों इक्वल है ना तो पी एपी वन पार्ट है इस साइड टू पार्ट है तो वन रेशो टू हो गया ना इसके कोऑर्डिनेट को एक्स वाई ले लो अब दिस इज एक्स वन वाई वन दिस इज एक्स टू वाई टू जो एक्स है वो किसके इक्वल होगा एक्स हमारे पास किसके इक्वल होगा फॉर्मूला uh, सबसे पहले बेटा मैं लिख देता हूं एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन क्योंकि आज सिक्स सेवन स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फर्स्ट थर्टीन सम्स नहीं किए एंड वाई का फॉर्मूला मैं यहाँ पैरेलल लिख देता हूं वाई इज सेम एम वन एक्स टू प्लस सॉरी वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू दिस इंटू दिस इंटू दिसम का कोई रोल नहीं है वन इंटू सिक्स प्लस एम टू इज टू एक्स वन इज माइनस थ्री अपॉन एम वन प्लस एम टू वन प्लस टू वैल्यू ऑफ एक्स एक्स कैलकुलेट करो वन सिक्स आर सिक्स, थ्री टू आर सिक्स अपॉन थ्री जीरो अपॉन थ्री वी गेट जीरो. सेम वे वाई इज एम वन वन इंटू सिक्स वाई टू की वैल्यू सिक्स है ना वन इंटू सिक्स प्लस एम टू टू इंटू जीरो अपॉन M1 M2, 1 2. तो तो की वैल्यू कट किया 2 आ गया तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गई एक्स वाई थे ना एक्स की वैल्यू जीरो आई है वाई की वैल्यू टू आई है तो जीरो कॉमा टू पहला आंसर हमारा आ गया अब क्यों आ, क्यों एक मिनट अमनीत क्यू ए बी को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है बेटा टू रेशियो वन देखो इस साइड टू पार्ट है इस साइड वन पार्ट है तो दैट इज सेम मेथड यू कैन फाइंड इट टेक इट एज एक्स थ्री एंड वाई थ्री बिकॉज एक्स वन वाई वन यहां पर एक्स टू वाई टू यहां पे है वाई यहां है. X2, Y2

उसको भूल जाओ जब देखो प्री फाइंड करेंगे उस टाइम ये भूल गए जब के ऑफ के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं तो ये भूल गए ये एम1 एम2 हो गया ठीक है यस सर नाउ क्वेश्चन नंबर 15 हां uh, जी सर एक बार पिछला पेज दिखा सकते हैं लो जी देखिए पी के कोऑर्डिनेट फाइंड कर दिए मैंने क्यू के सेम मेथड से जैसे फर्स्ट सम है बेटा वही चीज होगी ना क्यू के रेशियो यस सर नाउ वी विल रीच ऑन क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 में देखो बेटा शो दैट नाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज ट्राइसेक्टेड बाय सर ये वन one... क्या सर 1:2 और 2:1 कैसे बोल रहे थे तो, uh, yes, तो जब पी पॉइंट है इस साइड वन पार्ट है इस साइड टू पार्ट है तो क्या रेशो होगी वन रेशो टू ना टू रेशो वन क्योंकि इस साइड टू पार्ट हो गया वन पार्ट हो गया आया समझ नाउ द फिफ्टीन यस। अश्लेषा कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन सी होती है पता है आस्था आपको पता है बेटा कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन सी होती है नो। no. योधिका शु गीतांजलि यस सर कौन सी होती है बेटा कोर्डिनेट एक्सेस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सेस एक्स ठीक है एक्स एक्सेस एंड वाई एक्स एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू जीरो होती है वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू जीरो होती है फिफ्टीन समय देखो शो दैट द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस दो पॉइंट्स हैं कौन कौन से माइनस फाइव एट एंड टेन माइनस फोर बाय कोऑर्डिनेट कोर्डिनेट एक्सेस सपोज पी एंड आर द पॉइंट्स. वैसे जैसे हमने पहले फाइंड किया था फोर्टीन सम किया था सेम टू सेम पी पी एबी को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है श्लेषा? ए बी को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है टू वन रेशो टू में क्योंकि वन पार्ट इस साइड है टू पार्ट इस साइड में तो पी के कॉर्डिनेट एक्स वाई अब देखो मैं कैसे फाइंड करूंगा यहां पे लिखना कैसे है हियर पी डिवाइड्स ए बी इन वन रेशो टू तो देर फोर कोर्डिनेट्स ऑफ पी आर अब मैं एक ब्रैकेट में ही सॉल्व करूंगा बेटा दोनों वैल्यूज़ एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन फॉर्मुला लिख रहा हूं पहले मैं अपॉन एम वन प्लस एम टू ऐसी ब्रैकेट डाल दो यहां पे वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू पी दिस इंटू दिस दिस इंटू दिस वन इंटू टेन प्लस टू इंटू माइनस फाइव अपॉन वन प्लस टू एम वन वन इंटू माइनस फोर प्लस टू इंटू एट अपॉन वन प्लस टू देखो अलग अलग भी फाइंड कर सकते हैं ऐसे एक ब्रैकेट में भी कर सकते हैं जैसे मैंने यहां पे किया है P, P के कोऑर्डिनेट 10 माइनस 0 जीरो 3 थ्री माइनस 4 प्लस 16, 12 आ जाएगा अपॉन 3, जीरो थ्री जीरो कट किया फोर जीरो फोर जीरो फोर तो ये पॉइंट आस्था कौन सी एक्सिस पे लाई कर रहा है जीरो कॉमा फोर किसकी वैल्यू जीरो था यहां पे एक्स की ना तो ये कौन क्या हाँ पे लाई करेगा वाई एक्सिस पे लाइ लाई कर रहा है ठीक है अब सेम वे क्यों क्यों पॉइंट ए बी को किस रेशों में डिवाइड कर रहा है अयोधिका अयोधिका क्यू पॉइंट बेटा एबी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है सर क्यू पॉइंट एबी को सर टू वन टू रेशो वन अब इसको भूल जाओ सेम मेथड से बेटा यहां पे एक लाइन लिखनी है हियर एन टू रेशो वन तो देर फोर Coordinates ऑफ क्यू आर पहले फॉर्मूला लिख देना है मैं फॉर्मुला नहीं लिख रहा मैं सीधा वैल्यूज फिल कर रहा हूं बेटा टू इंटू टेन प्लस वन इंटू माइनस फाइव टू इंटू टेन प्लस वन इंटू माइनस फाइव अपॉन टू प्लस वन कोमा टू इंटू माइनस फोर प्लस वन इंटू एट अपॉन टू प्लस वन के ट्वेंटी माइनस फाइव फिफ्टीन अपॉन थ्री मैंने शॉर्टकट में कैलकुलेशन कर दी ये तो कर ही ना कैलकुलेशन सारे के सारे ऋषभ जी हो yeah. जाएगी कैलकुलेशन yes, हो जाएगा माइनस एट प्लस एट जीरो अपॉन थ्री तो क्यों के कॉर्डिनेट क्या आ गए फाइव एंड जीरो अपॉन थ्री जीरो तो ऋषभ कौन सी एक्सिस पे लाई कर रहे हैं ये पॉइंट फाइव कॉमा जीरो की वैल्यू जीरो है तो एक्स एक्सिस पे लाई है, एकस पे. एकस एकस पे. तो है, पे लाई कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे ठीक है ये हमारा आंसर हो गया तो यही शो करना था जो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कर रही है तो पॉइंट P है जो ट्राई सेट कर रहा है ए बी को वो कहां पे लाई कर रहा है वाई एक्सिस पे और क्यों के कोऑर्डिनेट आए हैं फाइव कॉमा एक्सिस पे लाई कर रहे यही शो करना था हेन्स पी एंड क्यू पी एंड क्यू लाई ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस आ गया समझ बच्चे yes, क्या बता थोड़ा ऊपर दिखा सकते हैं एक बार हाँ जी बेटा श्योर यस नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन सर हाँ

ना तू कह रही है क्या कहती है कि टू इंटू थ्री सिक्स होता है तू कह रही है टू को अगर मैं वन से कर दू तो भी तो सिक्स आना चाहिए क्वेश्चन ये है समझे नहीं टू इंटू वन इंटू थ्री इंटू थ्री चाटा खाएगी सिक्स मार नहीं सकते आप जिस दिन मैं आ गया ना बहुत लगाऊंगा तेरे सर तभी तो मार नहीं सकते क्योंकि आपने आना ही अगर आ गया तो सर देख लेते हैं ले। मैं के पास तो मैं जा रहा हूं बस नेक्स्ट मंथ की थ्री तारीख को सर वो कितनी दूर रहती है सर मैं आपसे दो घंटे दूर रहती हूं यहां तो आप आ नहीं सकते कहां दूर रहती है पटियाला में रहती है वो. मैं पटेल नहीं वही तो सही ठीक है ठीक है ना सिक्सटीन मैं आया तो धाल उधियाना तूने अच्छी तरह बोला ही नहीं कि आ जाओ सर ऊपर ऊपर से बोल रही थी तू तो। कोई नहीं सर कोई बात कोई बात <laughs> चलो

बोलो वन रेशो टू इसके कोऑर्डिनेट निकाल लोगे सेम मेथड से जैसे हमने फॉरिंग सम्स किया है यस yes, सर फिर ये किस रेशो में डिवाइड कर रहा है टू रेशो वन में ए पी क्यू को इसके कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे दोनों में से एक पॉइंट क्या होगा थ्री माइनस टू होगा उसको हम ए ले लेंगे अगर ये थ्री माइनस टू हुआ तो इसको ए ले लेंगे ये थ्री माइनस हुआ तो इसको ए ले लेंगे और हैंस शो लिख देंगे आई समझ सर शो वाला नहीं समझ आ रहा है क्या शो मैं अच्छे आपने शो 14 सम आता है yes. 14 सम किया था ना 15 सम किया है ना 15 सम yes, किया sir. है यस सर यस 16 सम में भी यही चीज करनी है ठीक है 16 सम में भी ऐसे सेम टू सेम करना है हमने जैसे 15 सम में किया है सेम पॉइंट्स आ जाएंगे पी एंड आए हैं वहां पे ए एंड बी आ जाएंगे समझे so हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ हमने फाइन कर लिए अब yes, मैं पे चलो इस क्वेश्चन को मोल्ड करता हूँ फिफ्टीन क्वेश्चन को शो दैट जीरो फोर ट्राइसेक्ट द ज्वाइन ऑफ दिस एंड दिस हमने क्या किया इसके कोऑर्डिनेट फाइंड किए वो जीरो फोर आ गए तो हो गया शो Hence, मतलब जीरो फोर ट्राई सेक्ट दिस वन आया समझ यस सर मतलब मैंने इस क्वेश्चन को मोल्ड कर दिया यहाँ तो बोला था पी एंड करो अब मैं यहाँ पे ये शो लिख दू क्वेश्चन में शो दैट पी जीरो फोर डिवाइड ए बी सॉरी ट्राई सेक्ट ए बी तो वैसी इसको भूल जा जीरो फोर को तो क्या करेगा एक्स वाइफ किया वो जीरो फोर आ गया तो शो हो गया कि वो ट्राई कर रहा है समझे ओके यस पता सिर्फ क्वेश्चन को yes, कान को उल्टा करके आंसर दे दिया हमें करना करना हमने जैसे 14, 15 में वही भी तब भी बेटा हमने तो ये फाइन कर दिए पॉइंट्स उनमें से एक पॉइंट ये आ जाएगा एंड दूसरा उन्होंने फाइन करने के लिए बोला दूसरा फाइन हम ऑलरेडी कर चुके हैं समझे ओके ना द सेवन ए बी, ए गिवन है, बी गिवन है। ए है माइनस फोर थ्री बी क्या है एट माइनस सिक्स है फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी ए बी की लेंथ चलो इप्शिता बताओ मुझे

ले। हाँ जी बेटा नाइन्थ क्लास में किया था हमने डिस्टेंस ये डिस्टेंस फॉर्मूला था याद आ गया सबको यस सर मोहम्मद किया था डिस्टेंस फॉर्मूला ना यस सर सुचिता तो चाहे मतलब इसको x2 y2 ले लो चाहे इसको x2 y2 ले लो दिसर्स्ट में फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस कर लाइनस माइनस माइनस प्लस फोर हो जाएगा प्लस माइनस सिक्स माइनस थ्री एट फोर ट्वेल्व ट्वेल्व का स्क्वायर वन फोर्टी फोर माइनस सिक्स माइनस थ्री माइनस नाइन माइनस नाइन का स्क्वायर प्लस एटी वन फाइव फाइव टू टू फाइव टू ट्वेंटी रूट फिफ्टीन फिफ्टी यूनिट साथ में डाल देंगे समझे yes. यूनिट क्यों डालना uh, किसने पूछा है sir, मैंने, सुहा. सुहा? Uh, आपकी हाइट कितनी है सेंटीमीटर क्यों डाला oh. <laughs> yes, sir. बोलो मीटर क्यों नहीं डाला या यूनिट मतलब देखो आपको सेंटीमीटर पता है कि आपकी हाइट सेंटीमीटर अगर मैं बोलूं आपकी हाइट फीट में कैसे कितनी होगी तो नियर अबाउट फाइव पॉइंट समथिंग ठीक है यस सर इस वे से अगर हम आ, डिस्टेंस टू सिटी का डिस्टेंस बोलें तो वो डिस्टेंस किलोमीटर में कैलकुलेट करते हैं हम करते हैं ना या माइल में करते हैं ऐसी awesome. ए भी एक लेंथ है और लेंथ का कोई ना कोई यूनिट होता है हमें सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर कुछ नहीं दिया तो इसलिए हम यहाँ पे यूनिट वर्ड डाल देते हैं कि कोई ना कोई यूनिट इसका है okay. चाहे वो सेंटीमीटर हो चाहे मीटर हो अगर कुछ भी नहीं गिवन ना तो उस टाइम हम यूनिट्स लिख देते हैं साथ में आई समझ फिफ्टीन आ गया बेटा इसके बाद उन्होंने क्या बोला है कि फाइन इन वट कोई पॉइंट पी है

क्योंकि yes. तो x एक्सिस पे y की वैल्यू जीरो होती है तो सुचिता इन दोनों में से किसकी वैल्यू पता है हमें Zero, y की वैल्यू पता है तो सेक्शन फॉर्मूला किसका लगेगा y के लिए y के लिए सुचिता फॉर्मूला बताना हमें मुझे एम वन वाई टू यस प्लस एम टू वाई वन अपॉन अपॉन एम वन प्लस एम टू अब रेशो जब भी रेशो फाइंड करते हैं तो सुजीता हम क्या लेट हैं रेशो को और ना, मैंने क्या करवाया था के रेशो, yes. रेशो वन से थोड़ा इजी हो जाएगा, अगर आपने एम वन एम टू रखना है बेटा वो भी रख सकते हैं K into? माइनस एक्स वाई टू इज अब वाई के प्लेस पे जीरो आ जाएगा, के प्लेस पे क्या जाएगा? जीरो अपॉन के प्लस वन अब के प्लस वन जीरो से मल्टीप्लाई होके जीरो बन जाएगा यहां पे क्या आएगा सुचिता माइनस सिक्स प्लस थ्री माइनस सिक्स के इस साइड आकेट इज वन रेशो टू के प्लस वन तो हो गया फाइव इंटू जीरो कितना होता है अच्छा, अच्छा छितर खाने वाले काम ही है तेरे ऐसा नहीं है सर सर और यहाँ पे ये आपने केस जो बन के लिया है कल क्लास क्यों नहीं लगाई नहीं सर हुँ? नहीं लगाई सर कोई बात नहीं आज ना मैं वीडियो डाल दूंगा वो वीडियो देखना आराम से ठीक है मेरे व्यूज बढ़ाना यूट्यूब के ठीक है <laughs> <laughs> उसके बाद पूछना हाँ जी पद्मिनी हाँ जी हाँ जी भेज दूंगा आद्या तो थोड़ा ऊपर ये लो एक्सक्यूज मी सर हाँ जी बेटा सर कुछ दिनों से मैं क्लास नहीं अटेंड कर पा रही थी और अब जब कर रही हूँ तो सर आप कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हो ये भी नहीं पता है मुझे मुझे। पहले मुझे ये बताओ तो... ज्वाइन क्यों नहीं कर रही थी सर एक तो एग्जाम्स चल रहे थे और दूसरी बात ये भी कि मेरी तबियत नहीं चल रही थी सही उस दिन कोशिश की थी मैं ज्वाइन करने के लिए लेकिन फिर तेरी तबियत ते... एक दो महीने बाद खराब होती होती है है ना सर व्हाट टू डू व्हाट टू डू क्या खाना का खाया ओके okay, सर ध्यान okay, रखो सेहत सेहत सबसे सब से है, है? टीचर है एंड शी शी डजंट अलाउ तो 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 ही नहीं कर... नहीं चाहिए क्या करें सर इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है मे बी बचपन से ही अच्छा सर आप नुण। नुण। सर आप एफ थोड़ा भेज देंगे इस चैप्टर का आ, तेरे को कौन सी बुक है एम एल अग्रवाल अच्छा तेरी एम एल अग्रवाल है कोई बात नहीं भेज दूंगा बेटा मैं हम सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला कर रहे हैं बेटा यस सर ओके okay, सर थोड़ा आइडिया हो गया था आप जब एम वन वाई टू बोल रहे थे तो अच्छा हाँ जी सुचिता Yes, सुचिता देख लिया लड़ा, लड़ाकी लड़की लड़की को yes, कौन सी लड़की है पता लग गया सुचिता सर जी कल एग्जाम है मेरा मैं सर, मैं क्या करूं? मैं दे दूं? तेरी जगह हाँ सर जी मेहरबानी हो जाएगी चल जाना मत तू ठीक है मैं दे आऊंगा अपने आप <laughs>

बोलो प्रीवियस में एक बार दिखाइए ना सर यार मुझे प्रीवियस बोलो सर वहाँ पर आपने के को किसके साथ मल्टीप्लाई किया माइनस बेटा एम वन वाई टू है ना बेटा वाई की का फॉर्मूला लगाया ना के इंटू माइनस सिक्स प्लस वन इंटू थ्री दिस इज एक्स वन वाई वन this is x2y2 this is m1 ratio m2 okay yes sir now 18 sum question number 18 the line joining point m and n m and n एम एंड एन एम के कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा फाइव सेवन एन के कॉर्डिनेट है माइनस थ्री टू इज इंटरसेक्टेड बाई वाई तो युविका पी पॉइंट वाई एक्सेस पे लाइक कर रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे किस फॉर्म में होंगे युविका यस yes, इस फॉर्म में होंगे बेटा y-अक्षेस पे लाई कर रहा है p पॉइंट सर x कॉमा y नो no, बेटा y एक्सिस पे किसकी वैल्यू जीरो होती है यशवीर सर जीरो कॉमा y जीरो कॉमा y यशवीर यशवीर नहीं, नहीं बोलगा किसकी वैल्यू जीरो है बेटा यहाँ पे राइट डाउन राइटीसा ऑफ अफ अच्छा एल पॉइंट पी मैंने ले लिया इंटरसेक्टेड एट नॉट पी ये एल पॉइंट है बेटा और ये जो पॉइंट्स हैं वो एम एंड एन ये ए क्यों ले लिया मैंने m and n फिर से देख लो सारी गड़बड़ हो गई m and n को ज्वाइन करने वाली लाइन m के कोऑर्डिनेट है 5, 7 n के कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा -3, 2 इज इंटरसेक्टेड बाय y एक्सेस एट पॉइंट l कोई पॉइंट l है वो y एक्सेस पे लाई कर रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट 0, y होंगे राइट डाउन द अप्सिसा ऑफ l अब सीसा का मीनिंग विस्मया विस्म्या राो यार एक तो ना जो बोलते नहीं है बहुत गुस्सा आता है मुझे sir, ये मैं सही है एक मिनट यस सर भैबी एल पॉइंट का अफसीसा क्या है सीसा का मीनिंग पता है क्या होता है

और थ्री फाइन किया और सेवन है प्लस थ्री इंटू सेवन अपॉन टू टेन प्लस ट्वेंटी वन अपॉन एट तो एल के के आगे जीरो दिस इज द आंसर हाँ सर ये k की वजह से सारी गड़बड़ी हो ही जा रही है सर k का 5:3 तो रेश्यो तो आया सर पर के सर वो तो पहले ही रेश्यो में है तो फिर सर ये कैसे बच्चे के का जो भी आंसर आएगा 5/3 आ गया तो वो रेश्यो में डिवाइड करेगा बस वो पॉइंट ठीक है समझे सर के हमने इसलिए लिया क्योंकि हमें ये नहीं पता कि वो एग्जैक्टली एट मिड पॉइंट है कि नहीं मिड पॉइंट तो है ही नहीं फाइव रेशो थ्री आ रहा है देखो सर इसीलिए तो बोला कि हमें पता नहीं है हमने इसलिए उसको के लिया ना हाँ के रेशो वन तो जो भी के का आंसर आ जाएगा बेटा वही रेशो ठीक है नाइनटीन सा ठीक है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन A, B, C are the coordinate of the vertices of triangle ABC. Such that AP ratio PB is equal to AKO ratio KOC is 1 ratio 2. Calculate, calculate the coordinate of P and KO Show that PKO is 1 upon 3 BC. First of all, ABC is a triangle. First of all, I can draw the triangle. A, B, and C. Coordinate of A are 2, 5. कोऑर्डिनेट ऑफ बी आर माइनस वन टू कोऑर्डिनेट ऑफ सी आर फाइव अब ए बी लाइन पे पी कोई पॉइंट है जो इसको किस रेशों में डिवाइड कर रहा है वन रेशों टू मतलब वन इस साइड होगा अब इसको पता है क्या करो इस टाइप से बना लो मतलब फेयर में बना लेना ए की कोऑर्डिनेट टू फाइव बी के कोऑर्डिनेट माइनस वन टू क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे कि टू रेशो वन कैसे हो गया मैंने ए को ऐसे घुमा के यहाँ पे ले आया ठीक है इसको पकड़ा ऐसे कर दिया तो वन रेशो टू पी के कोऑर्डिनेट फाइंड हो जाएंगे अभी बोलो सर मिड पॉइंट नहीं है तो चांडा खाना है तूने कहा लिखा मिड पॉइंट है कुछ कॉपी बुक है तेरे पास जी सर दिखा शायद मुझे ना दिखा हो कहा लिखा है मिड पॉइंट नाइनटीन सामने जल्दी बोलो सर हो जाती है इंसानों से गलती ओके okay. सर हाँ जी सर न्यू पेपर पैटर्न आया आपने देखा नहीं देखा नहीं देखा सर इसमें फिफ्टीन मार्क्स का एमसीक्यू है फिर क्या हो गया वो तो लास्ट ईयर भी थे लास्ट ईयर ट्वेंटी मार्क्स थे इसमें वन मार्क्स में क्या पूछते हैं एक वन मार्क्स एम सी में कौन सा कमाएंगे कोई बात नहीं करेंगे पी पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करनी है मैंने इसी लाइन को बेटा इसको पकड़ के ऐसे ले आया वन एशो टू तो यहाँ पे बेटा कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर वन इंटू माइनस वन फॉर्मूला नहीं लिख रहा अब मैं सीधा कर रहा हूं टू इंटू टू अपॉन वन प्लस टू सेम से वन इंटू टू प्लस टू इंटू फाइव Upon one plus two, p minus one plus four upon three, and here two plus ten upon three. What do we get? Three upon three, and this is twelve upon three. The coordinate of p becomes one and four. One ratio four. Or one comma four. Same way. क्यू लाई ऑन एसी वन रेशो टू दिस दिस कैन यू फाइंड द कोऑर्डिनेटर नाउ नाउ बस नाओ के कोऑर्डिनेट्स ही फाइंड आउट करना नहीं उसके बाद एक और चीज और भी प्रूव करनी है बुक देख अपनी वन इंटू फाइव प्लस टू इंटू टू वन इंटू फाइव प्लस 2 into 2 upon 1 plus 2 same way 1 into 8 plus 2 into 5 1 into 8 plus 2 into 5 upon 1 plus 2 q o k coordinates 5 ones are 5 5 plus 4 9 2 plus 1 3 8 ones are 8 plus 10 18 upon 3 what we get q o is

b के कोऑर्डिनेट्स -1 2 हैं c के कोऑर्डिनेट्स 5 8 हैं p के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड किए थे ये रहे 1 4 q के कोऑर्डिनेट्स 3 6 नाउ वी हैव टू शो टू प्रूफ क्या करना है हमने टू प्रूफ p q 1/3 ऑफ bc ये प्रूफ करना है तो क्या करेंगे सबसे पहले p q की लेंथ फाइंड करो डिस्टेंस फॉर्मूला से नाउ पी क्यों डिस्टेंस फॉर्मूला एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। यस, सुचिता एक्स टू की वैल्यू थ्री माइनस वन माइनस सिक्स माइनस फोर। सिक्स माइनस फोर

सिक्स स्क्वायर थर्टी सिक्स वट वी गेट हाँ जी बेटा सर वहाँ पे फाइव प्लस नहीं होगा अच्छा ये माइनस सॉरी 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 थर्टी सिक्स प्लस थर्टी सिक्स वो मुझे ये था वैसे ही लगा हुआ है कहीं माइनस वन है ठीक है ओके रूट सेवेंटी टू रूट सेवेंटी टू को बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ थ्री लिख सकता हूँ ये बताइए थ्री इंटू थ्री इंटू एट लिख सकते हैं ना yes. तो थ्री बाहर आ जाएगा अब थ्री वूट एट आ गया ना BC अपने प्लेस पे 3 एज लाइक like, root एट की वैल्यू पी P क्या क्यू फिल कर दिया क्या क्यू अपने प्लेस पे रहेगा 3 कहां चला जाएगा नीचे 1 upon थ्री BC. ये हमारा आंसर आ गया समझे यस yes, सर सबसे टॉप पे दिखा दीजिए ले देख ले यार मुझे ये नहीं समझ आती तुमने देख के करना क्या होता है हुँ? स्क्रीन शॉट सर कोई फायदा नहीं है उसका जब तक समझ नहीं आएगा बेटा जितने मर्जी स्क्रीन स्क्रीनशॉट ले लो सर लास्ट ईयर स्टार्टिंग में बहुत किया सर मेमोरी फुल हो गई उसके बाद लेने छोड़ दिया कोई फायदा ही नहीं है बेटा सर इसीलिए तो लेने छोड़ करो सब जो नहीं समझ आता मुझसे पूछो मैं कौन सा मना कर रहा हूं क्या मैं बता नहीं रहा हम्म चलो नाइनटीन तक की करना बेटा मुझे नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया नाइन्थ क्लास का ओके ओके सर थैंक यू सर आपने वीडियोस डाल दिए इसकी मैं आज बेटा वैसे तो डाल दी हैं आज मैं प्रॉपर अपलोड कर दूंगा थंबनेल वगैरह लगा के सर चैप्टर 13 ओके सर क्वेश्चन क्वेश्चन ना 19 तक किए बेटा हमने ओके सर ओके ओके बाय थैंक यू सर बाय सर आप थैंक यू सर क्लास लेते हैं किसका क्लास 7 हाँ, सेवन ले लिया तो टेंथ छोड़नी पड़ेगी मुझे तो सर छोड़ दीजिए छोड़ दूं। मुझे लगा कि आप सेवन की लेते होंगे सेवन में कौन है सर मेरी बहन मेरी बहन सेवन का वैसे तो नहीं लेता अगर कोई डाउट हो बेटा उसका वो मैं करवा दूंगा उसको सैटरडे संडे ओके सर से, मेरे को लगा कहती मैं हूँ सर सेवन वो सेवन वाली बच्ची ही है राशि कैसे सर उसके बाद के पता चलता हाँ। है ऐसी बात नहीं है मजाक मजाक नाम की भी कोई चीज होती है ना इप्सिता जानती हूँ मजाक कर रही हूँ तो 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 ये लोग भावनाओं को हाँ। नहीं भावनाओं को समझ रही हूँ शुक्र है भावना नहीं है क्लास में कोई <laughs> चलो ठीक है ओके बाय ऐसे